तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हिल स्टेशन नंबर 1 से। हिल स्टेशन 1 में क्या लिखा गया है? आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मीना कंपनी। हमें यहाँ पे कंटेंट्स दिए गए ट्रांजेक्शंस। अब ये ट्रांजेक्शंस में हमें बताना है, मीना कंपनी के ट्रांजेक्शंस है कि इनमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन से हैं। अब ये अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आपको 1 मार्क एमसीक्यू में आ सकते हैं या 1 मार्क शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कहूँ तो 4 मार्क्स का जो आप सम करते हो उसके लिए काफी यूजफुल है। तो आपको ये इलस्ट्रेशन देखना जरूरी है, क्योंकि तो एक तो आपके ये एमसीक्यू भी कवर कर रहा है, आपका शॉर्ट आंसर्स भी कवर कर रहा है, और आप जो 4 मार्क्स का सम करोगे वहां पे भी आपको ये हेल्पफुल है। तो सबसे पहले देखते हैं सैलरी पेड। सैलरी पेड क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? तो सैलरी पेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और ये ट्रांजेक्शन ऑफ किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, जो हमने ये फाइनल अकाउंट में भी सीख लिया है। वेजेस पेड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और ये ट्रांजेक्शन कहाँ का है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का है। लोन बोरोड एक नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये ट्रांजेक्शन जो है इक्विटी एंड लाइबिलिटी का है। इट मीन्स ये कहाँ आएगा? ये फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। डेवेंचर रिडीम्ड नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन इक्विटी लाइबिलिटी का है, तो ये भी कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ये फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमें डेटर्स से मनी मिले तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ, क्योंकि डेटर आता है करंट एसेट में, करंट एसेट डेटर आके डेटर बना कैसे? तो डेटर तब बना जब हमने कुछ सेल किया, और सेल कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी है तो वो हमारी क्या हो जाती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया वो। तो डेटर्स आर रेज्ड फ्रॉम सेल्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 6th वन है पेड फॉर बिल्स पेबल। अब देखो, बिल्स पेबल मीन्स की करंट लाइबिलिटी हुई आपकी। बिल्स पेबल आकर आएगी कहां से? जब आप परचेस करोगे, और परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, तो इस वजह से ये क्या हुआ आपका? ये आपका हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बिल्स पेबल अराइज फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स फ्रॉम क्रेडिट परचेस एंड परचेस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 7th है सेल ऑफ मशीन ऑन कैश। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये आपका ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट है। आपने मशीन ली इट मीन्स आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट से या आपको डिविडेंड मिले या आप उसमें से कुछ सेल करो, तो ये आपकी एसेट साइड हुई, क्योंकि एसेट थी तब आपने किया। तो ये आपकी किस कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। 8th ब्रोकरेज रिसीव्ड। ब्रोकरेज जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, जो कि ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का है। यहाँ पे ब्रोकरेज रिसीव्ड जो है ये अदर इनकम भी हो सकती है, कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पुट कर दिया है। परचेस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर देखो करंट एसेट की आइटम है, तो ये ऑपरेटिंग तो हुई नहीं, इट मीन्स ये कौन सी हुई? इन्वेस्टिंग हुई। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर कुछ भी इंटरेस्ट मिले या डिविडेंड मिले तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं हुई, वो एसेट के रिलेटेड हुई। तो इंटरेस्ट अराइज ऑन इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट, उस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट, मतलब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने लोन पे इंटरेस्ट दिया है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं हुआ। लोन जो है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी एक्टिविटी का आइटम है,
और उसके रिलेटेड इंटरेस्ट अगर आता है तो वो भी वहीं पे ही जाता है, इट मीन्स ये फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट हुआ। 12th है इनकम टैक्स रिफंड। तो जनरली ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेते हैं, उसका रीजन ये रहा कि व्हेन नो क्लेरिफिकेशन इज प्रोवाइडेड वेदर इट इज रिफंड ऑफ फाइनेंस एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विल बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड उसका कोई भी डिटेल नहीं दे रहा है कि ये फाइनेंस एक्टिविटी का है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, तो आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट करोगे। तो होप कि आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ हो तो आप प्लीज एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलस्ट्रेशन। आगे हम जो स्टार्ट करेंगे न्यू सम्स। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर टू पे। इलस्ट्रेशन नंबर टू क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रीटा कंपनी आइडेंटिफाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑल्सो स्टेट वेदर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज इज कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। अब सेकंड इलस्ट्रेशन में, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कौन से पार्ट थे। अब यहाँ पे हमें टोटल एट ट्रांजेक्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है कि नहीं है, और इसकी वजह से कैश इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले परचेस ऑफ लैंड। देखो लैंड एक आपकी फिक्स्ड एसेट है और ये करंट एसेट की, सॉरी ये एसेट की हो गई आइटम। तो एसेट की तो आइटम कुछ भी हो, फिर उसमें आप परचेस करो सेल करो या उसमें से कुछ इनकम या डिविडेंड मिले, वो आपकी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही हो गई। और अगर आपने परचेस किया, तो परचेस किया है तो फ्री में नहीं किया होगा आपने, उसके बदले में कुछ दिया होगा और देने का तो कैश ही होगा। तो यहाँ पे आपका कैश क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। और ये आपकी क्या हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एसेट इज इंक्रीज। याद रखना, जब जब एसेट इंक्रीज होगा आपका कैश जो है वो आउटफ्लो होगा, एसेट डिक्रीज होगा आपका कैश फ्लो है वो इनफ्लो होगा। क्योंकि कोई भी चीज एसेट आप परचेस करोगे तो इन कैश करोगे, तो कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इट मीन्स मैं कहूँ कैश आउटफ्लो। अगर आपने कोई एसेट सेल की तो उसके बदले में आप कैश लोगे, इट मीन्स मैं कहूंगा कैश इनफ्लो। बस वही लॉजिक यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे सेल ऑफ मशीन है, देखो मशीन सेल कर रहा हूँ, मशीन जो है वो एसेट का पार्ट है, तो ये तो एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। अब मैं सेल करूंगा सामने लूंगा कैश, तो मेरा कैश इनफ्लो ही होने वाला है। बहुत ही सिंपल बेसिक चीज है ये चैप्टर में आपको समझनी है। लॉजिक चलाओगे तो सब कुछ हो जाएगा इजी। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी। देखो यहाँ पे वर्ड जो है शेयर्स है और यहाँ पे परचेज है। देखो इशू वर्ड है ना, इशू वर्ड है मतलब वो खुद की कंपनी का इशू कर रहा है। परचेज मीन्स क्या? वो किसी और कंपनी का परचेज कर रहा है। तो किसी और कंपनी का अगर आप परचेस करें ना शेयर्स, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और अगर हम इश्यू करते हैं ना शेयर्स, तो मीन्स हम फंड की जरूरत है और हम इश्यू कर रहे हैं, तो वो फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट आएगा। तो यहाँ पे परचेस ऑफ शेयर है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब इन्वेस्ट करोगे तो कैश में करोगे, ऐसे तो कोई आपको इन्वेस्टमेंट दे नहीं देगा, तो इसलिए आपको कैश देना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये क्या हो गया? आपका कैश आउटफ्लो हो गया। अब अगर आपने सेल्स ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स वाई कंपनी, यहाँ पर इन्होंने ऐसे नहीं कहा कि सेल ऑफ शेयर, कुछ सेल खुद के कर रहा है, ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन ही कहा है और लग भी कहा है। तो इन शॉर्ट मैं समझ सकता हूँ कि ये किसी और कंपनी के शेयर्स लेके रखे थे, उसके शेयर सेल कर रहा है, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, क्योंकि आपने किसी में इन्वेस्ट करा होगा तो आप सेल करोगे, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ। अब आपने सेल करा है तो कैश आएगा, तो ये आपका क्या होगा? कैश इनफ्लो।
अब फिफ्थ क्या है, एसेट कंस्ट्रक्टेड इन फैक्ट्री। आप कोई एसेट बना रहे हो फैक्ट्री में, देखो फैक्ट्री में कोई भी एसेट बनती है, इट मीन्स उसका क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट, उसकी कैपेसिटी बढ़ना कह सकते हैं, एसेट की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये भी आपकी क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। फैक्ट्री में बन रहे वो लेना देना नहीं है, फैक्ट्री में बन क्या रहा है, फैक्ट्री में माल सामान बन रहा है, नहीं ना, फैक्ट्री में क्या बन रहा है, एसेट बन रही है, रिकंस्ट्रक्ट हो रही है या कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो वो आपकी एसेट हो रही है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। इसके ऊपर खर्चा तो करना पड़ेगा, फ्री में तो कोई करके नहीं देगा, तो कैश आउटफ्लो हुआ। सिक्स्थ है परचेस ऑफ कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स आपको पता होगा ये इनटेंजिबल एसेट है, जो हमने चैप्टर थ्री में भी कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ मैंने इसका, कि इनटेंजिबल और टेंजिबल एसेट क्या होते हैं। तो कॉपीराइट इनटेंजिबल एसेट है, और इनटेंजिबल एसेट एसेट वर ये यूज हो गया, मीन्स की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई और ये कैश आउटफ्लो हुआ, क्योंकि आपने परचेस किया है, सेल नहीं किया है। सैलरी पेड, अब सैलरी आपको पता हो तो आपने फर्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में कवर किया था कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंटेंट है, क्लियर, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ, तो वो इन्वेस्टिंग का तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे जब इन्वेस्टिंग का पार्ट ही नहीं है तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो की बात ही कहाँ है। कैरिज इनवर्ड पेड, देखो कैरिज इनवर्ड आपने 11th में भी रीड किया होगा, समझा भी होगा, नहीं समझा समझा देता हूँ, कि आप कोई माल सामान मंगा रहे हो और उस पर आपने कुछ पेमेंट की हो, उसका लाड़ी पाड़ा कुछ पता पड़ा हो, उसे कैरिज इनवर्ड कहते हैं। अब वो भी आपको पता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ ही नहीं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है और कैश इनफ्लो आउटफ्लो की बात हुई नहीं। तो होप कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्लियर कट समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, आगे इलस्ट्रेशन करने वाले और यही बेसिक के साथ हम सब करेंगे। अगर यही पता नहीं होगा कि इन सब में कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कौन सी ऑपरेटिंग है, तो हम सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी। तो आप ये दोनों इलस्ट्रेशन और आगे एक और इलस्ट्रेशन करो कर रहा हूँ वो जरूर देखना।